हेलो गाइज, आज हम बनाएंगे लाल इमली जो हम बचपन में खाते थे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये देखिए, आज हम लाल इमली बनाएंगे जो हम बचपन में खाते थे, और बड़ी स्वादिष्ट होती है लाल इमली। तो गाइज, एक कटोरी तो इसमें पानी डाल लेंगे, ये करीब आधा गिलास पानी है। ये मैंने 1 कप इमली ले ली है, तो इसको मैंने अच्छी तरह से देख लिया खोलकर। तो ये इसमें डाल देंगे इमली, और इसमें चेक कर लेंगे कुछ कचरा वगैरह ना हो, क्योंकि इमली में कई बार कचरा निकले आता है। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से देख के तभी डालें, और पुरानी इमली ना ले गए जो उसमें कीड़ा वगैरह निकले आता है, तो फ्रेश इमली ले लें। और गए जी, 2 पेड़ी मैंने गुड़ की ले ली हैं, इनको तोड़ लेंगे। गुड़ को मैंने तोड़ लिया है, और इसको भी डाल दें, और गैस को मीडियम कर देंगे। इनको पका लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो गाइज, 4 से 5 मिनट तक इसको ढककर हम पका लेते हैं, ताकि ये गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, और इमली गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें कलर डालेंगे। ये देखिए गाइज, लाल कलर डालेंगे। ये लिक्विड कलर भी आता है, फूड कलर है ये, और ड्राई कलर भी आता है, तो इसमें डाल देंगे। ये 2 से 3 चुटकी इसमें डाल देंगे रेड कलर की। ये बनकर हमारी तैयार हो गई है, गैस को बंद कर देंगे। तो गाइज, ये देखिए, ये बन गई हमारी रेड इमली। ये इमली हम बचपन में खाते थे, और बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। और आप भी बना कर देख लीजिए इसे घर पर, और बच्चों को बना के दीजिए, ताकि बच्चे खाएं और खुश हो जाए। शेयर कीजिए अपनी यादों को अपने बच्चों के साथ, और मैंने भी ये अपने बच्चों के लिए बनाई है आज। तो देखिए गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।